पहले तो सचिन तेंदुलकर को मैं शुरू से ही वॉच करता आ रहा हूँ और उनकी वीडियोस देखता आ रहा हूँ। और ऐसे और भी ग्रेट प्लेयर्स हैं, यूनुस भाई हैं, इंजमाम भाई हैं, पाकिस्तानी भी हैं, और रिकी पॉन्टिंग, मार्क वो, जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हैं। सचिन की ज़्यादा, क्योंकि मेरी हाइट इतनी ही है तो उनको ज़्यादा ज़रा मैं वॉच करता हूँ। तो उनकी स्ट्रेंथ जो एक्चुअली मैं उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो कोशिश करता हूँ कि अपनाऊँ और उसी की प्रैक्टिस करता हूँ। ताकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मुझे भी सचिन तेंदुलकर पाकिस्तानी कहा जाए। मेरा सिर्फ यही माइंड है, मेरा यही पॉजिटिव माइंड है कि मैंने अपना जो भी देना है 100% देना है पाकिस्तान के लिए। जितना भी अच्छा कर सकूं परफॉर्मेंस दूंगा इंशाल्लाह, और पॉजिटिव माइंड के साथ खेलूं। बाकी ओवरऑल फिटनेस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूं और हमारा स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है फिटनेस पे। हमारे जो ट्रेनर हैं यासिर मलिक और मिसबा भाई ने हमें पूरा प्लान दिया है कि उस पे जो जो स्टैंडर्ड है उसको मीट करना है हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पूरा उतर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर से बेहतर करूँ। लास्ट क्वेश्चन है ओवर पे। आबिद, आपने सचिन को अपना आइडियल करार दिया है, तो क्या समझते हैं? सचिन ने तो बड़ी जल्दी डेब्यू कर लिया था, आपका डेब्यू तो तकरीबन उनसे डबल उम्र में हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? चलें, लेट आया, डेब्यू लेट हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे बड़ा इज्जत भी तो दे दी। ये जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और लेट का कोई मुझे अफसोस नहीं है, मेरा वक्त यही मुकर्रर था, मैं इसी को ही अपने